केराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। आहा, लीजिए, महाराज जी उत्तराखंड से पलायन करते करते उत्तर प्रदेश आ गए और मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन इनको चिंता रहती है कैराना के पलायन की। देखिए तो, कैराना पलायन की चिंता में हमारे सीएम साहब सूखते जा रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि कैराना से जाने वाले लोग हिंदू जो ठहरे और हमारे महाराज जी हिंदू हृदय सम्राट ठहरे, तो उन्हें नहीं तो किसी और को चिंता कैसे हो सकती है कैराना पलायन की। वैसे जब महाराज जी का नाम अजय कुमार बिष्ट हुआ करता था ना, तब भी वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन तब राजनेता नहीं थे और ना ही कैराना वाला एजेंडा था और ना ही ऐसा एजेंडा उन्हें सूट करता था। इसलिए आज जब ये मुद्दा सूट करता है, तब बाबा जी उसी हिसाब से बोलते हैं। केराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था। 1994 में योगी आदित्यनाथ मोहमाया त्याग कर सन्यासी बन गए। 22 साल की उम्र में गणित से एमएससी करने वाले योगी आदित्यनाथ 1993 में गुरु गोरखनाथ पर रिसर्च करने के लिए गोरखपुर आए थे। 1993 में योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के नाम से पुकारे जाते थे। तत्कालीन स्टूडेंट के तौर पर अजय सिंह बिष्ट ने 1992 में राम मंदिर आंदोलन की तैयारियों को लेकर एबीवीपी की सभा में हिस्सा लिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही योगी आदित्यनाथ संसद पहुंच गए, यानी 5 बार सांसद रहने वाले योगी आदित्यनाथ को राजनीति में अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए कब कौन सा राजनीतिक दाव लगाना चाहिए, ये भी उन्हें बहुत अच्छे से पता है। योगी आदित्यनाथ अक्सर अपनी सभाओं में गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना जानते हैं, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है। कैराना उनमें से एक है, इसलिए अखिलेश यादव ने कैराना मामले के बहाने योगी आदित्यनाथ पर इस बार हमला बोला है और उनकी दुखती रख पर हाथ रख दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, अभी बाबा मुख्यमंत्री आए थे, कहा पलायन हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तराखंड से वो पलायन नहीं करते तो हमारे 5 साल बर्बाद नहीं होते। अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां ना आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। इसका मतलब कि अखिलेश की स्ट्रेटजी साफ है, अगर योगी कैराना पलायन का मुद्दा उठाएंगे तो अखिलेश पौड़ी गढ़वाल से उनके पलायन का मुद्दा उठाएंगे।